मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जीमू था। वो डॉक्टर के साथ बैठी हुई थी। दरअसल यहाँ पर जीमू को मॉन्स्टर्स नजर आते थे जो कि एक आम इंसान नहीं देख सकता, और यही वजह थी जीमू की मदर ने उसको मेंटल असाइलम में एडमिट करवा दिया था। जीमू की मदर ये सोचती थी कि उनकी बेटी पागल हो गई है। अब जब डॉक्टर जीमू से पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें अब भी मॉन्स्टर्स नजर आते हैं, तो तभी जीमू डॉक्टर के हाथ पर देखती है एक छोटा सा मॉन्स्टर जो डॉक्टर के हाथ पर स्क्रैचेस मार रहा था। तभी जीमू कहती है नहीं, मुझे मॉन्स्टर्स नहीं नजर आते। वो झूठ बोल देती है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि अब उसे इस मेंटल असाइलम से जाना था, और डॉक्टर को ये लगता है कि जीमू बिल्कुल ठीक हो गई है, इसलिए डॉक्टर उसको जाने देते हैं। इसके बाद जीमू ने एक सुपरमार्केट में जॉब शुरू कर दी थी क्योंकि उसकी मदर किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थी। एक दिन जीमू जब सुपरमार्केट में काम कर रही थी तो वहाँ पर उसको एक मॉन्स्टर नजर आता है। उससे काम में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इस बात पर उस सुपरमार्केट का ओनर उसको बहुत ज्यादा डांटता है, और वो जीमू को ये सजा देता है कि वो बाहर जाकर पैम्फलेट्स को बांटेगी। जब ये बाहर पैम्फलेट्स बांटने के लिए जाती है तभी बाहर उसको एक आदमी मिलता है जिसका नाम मिंग था। ये एक मॉन्स्टर हंटर था और ये यहाँ पर एक मॉन्स्टर का ही शिकार करने के लिए आया था। यहाँ पर हम इसके एक फ्रेंड पेपर को भी देखते हैं। ये मैंग का फ्रेंड था और ये इसके काम में इसकी हेल्प किया करता था। और यहाँ पर आप पेपर को बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं कि जैसे एक इंसान के पास कोई उसका बेस्ट इंस्ट्रूमेंट हो जिसको वो अपनी हेल्प के लिए यूज करता हो, और ये पेपर भी बिल्कुल वैसा ही था। ये हर काम में उसकी हेल्प किया करता था, और मजे की बात ये थी कि ये पेपर इंसानों की तरह बोलता था। अब हम देखते हैं कि जीमू तो उसे मना कर रही थी कि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, मगर जीमू के मना करने के बावजूद मैंग और उसका पेपर सुपरमार्केट में चले जाते हैं। जब ये तीनों देखते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वाकई ही एक मॉन्स्टर था जो सब चीजों को फ्रीज कर रहा था। उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए वो उस पेपर पर एक रास्ता बना रहा था और अपने पेपर को उस मॉन्स्टर को जगाने के लिए भेजता है जो कि सो रहा था। अब वो पेपर जब मॉन्स्टर को जगा देता है तो वो मॉन्स्टर उस पेपर को पकड़ने की ही कोशिश कर रहा था, और वो पेपर उस मॉन्स्टर को उस जगह पर ला रहा था जहाँ पर मैंग ने पेपर पर मैजिकल रास्ता बनाया था कि जिससे वो मॉन्स्टर को उसके दुनिया में वापस भेज सके। मगर मैंग ने यहाँ पर एक गलती कर दी थी। उसने जो मैजिकल रास्ता बनाया था उसका एक सर्कल कंप्लीट नहीं किया था, जिस वजह से वो मॉन्स्टर अब आजाद हो गया था और वो पेपर और मैंग के पीछे पड़ जाता है। मगर इसके बावजूद मैंग वहाँ पर एक मैजिक करता है और उस मॉन्स्टर को क्रिस्टल में बदल देता है। ये देख कर जीमू बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। जीमू अब इसलिए खुश थी, उसको पता चल गया था कि वो दुनिया में अकेली नहीं है जिसको मॉन्स्टर्स नजर आते हैं, कोई और भी है जो ये मॉन्स्टर देख सकता है। इस बात पर वो मैंग से बहुत सारे क्वेश्चंस करती है, मगर मैंग उसका किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। मगर जाते हुए मैंग वो क्रिस्टल वहीं सुपरमार्केट में गिरा देता है। वो क्रिस्टल अब जीमू के पास था, वो उसे मिल गया था। इसके बाद हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो अपने मैजिक से ये सब कुछ देख रही थी, और वो कहती है कि मुझे इसी लड़की की तो तलाश थी। वो यहाँ पर जीमू के बारे में बात कर रही थी। अब वो लेडी अपने एक मॉन्स्टर हंटर को जीमू के पास भेजती है उसको अपने पास बुलाने के लिए। ये लेडी जीमू से क्या चाहती थी ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। इसके बाद हमें जीमू को दिखाया जाता है उस सुपरमार्केट में जितनी भी तोड़ फोड़ उस आदमी मैंग ने की थी, उसका सारा इल्जाम जीमू पर आ गया था और ये न्यूज हर जगह पर फैल चुकी थी। और अब जीमू की जॉब तो चली जाती है और साथ ही साथ उसके घर का ऑनर भी उसको घर से बाहर निकाल देता है। वो ऑनर अभी भी ये समझ रहा था कि जीमू का पागलपन खत्म नहीं हुआ, इसको मॉन्स्टर्स अभी भी नजर आते हैं। तभी हमें वही मॉन्स्टर हंटर मैंग दिखाया जाता है। उसके घर पर एक लड़की आती है, ये लड़की इससे मॉन्स्टर क्रिस्टल खरीदा करती थी। मैंग वो मॉन्स्टर क्रिस्टल ढूंढने लगता है, मगर उसको वो क्रिस्टल नहीं मिल रहा था क्योंकि उसने वो क्रिस्टल तो सुपरमार्केट में ही गिरा दिया था। और अब वो उस लड़की को छोटे छोटे क्रिस्टल दे देता है, मगर इसके बदले में वो लड़की उसको बहुत कम पैसे देती है क्योंकि वो कहती है कि ये क्रिस्टल मेरे किसी भी काम के नहीं है। और
और अब वो लड़की जाते हुए मेंग से कहकर जाती है कि इस बार जब मॉन्स्टर और इंसानों के दरमियान का दरवाजा खुलेगा तो तुम्हारे पास एक आखिरी रास्ता होगा अपने भाई के क्रिस्टल को पाने का, और अगर वो उसे हासिल ना कर पाया तो वो क्रिस्टल उसको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। और ये कहकर वो लड़की उसके घर से चली जाती है। उधर दूसरी तरफ हमें जीमू को दिखाया जाता है जो अकेली रात में इधर उधर घूम रही थी। तभी अचानक से रास्ते में कुछ मॉन्स्टर्स जीमू पर अटैक कर देते हैं। ये सब कुछ मैंग के घर के पास हो रहा था, इसी वजह से उसको भी ये पता चल गया था कि उसके घर के आसपास कुछ मॉन्स्टर्स हैं। और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स जीमू के पीछे हैं। इसीलिए अब वो उसकी हेल्प करता है। वहाँ पर मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा थे, इस वजह से मैंग भी उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स हंटर आ जाते हैं और वो उन सभी मॉन्स्टर्स को चुटकियों में खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनके पास मैंग से भी ज्यादा अच्छे वेपन्स थे मॉन्स्टर्स को पकड़ने वाले। और साथ ही साथ वो सभी मॉन्स्टर हंटर्स मैंग को ये कह रहे थे कि ये उनका एरिया है, यहाँ पर वो आइंदा कभी भी ना आए। दरअसल ये जितने भी मॉन्स्टर हंटर्स थे ये मॉन्स्टर्स को क्रिस्टल में बदल कर बेचने का काम किया करते थे। अब जीमू वहाँ से जल्दी से भाग कर मैंग की गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई थी और उसको वो क्रिस्टल भी दे देती है जो उसको सुपरमार्केट से मिला था। साथ ही साथ मैंग को वो अपनी स्टोरी भी सुनाती है कि जब वो बहुत छोटी थी जब से उसको मॉन्स्टर्स नजर आते हैं, इसी वजह से उसकी मदर ने उसको मेंटल असाइलम में एडमिट करवा दिया था। सब लोग मुझे ये समझते थे कि मैं पागल हूँ, और अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सब मॉन्स्टर्स मेरी जान के दुश्मन क्यों हैं। मैं कहता है कि इन बातों के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है, मगर हाँ मैं एक आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे सकता है। अगली सुबह मैंग जीमू को लेकर उस आदमी के पास चला जाता है जिस आदमी की आधी बॉडी शेर की तरह और आधी इंसान की तरह थी। इसका मतलब ये था कि वो आदमी भी मॉन्स्टर था और वो इंसानों की दुनिया में रहने की वजह से आधा इंसान बन गया। वो आदमी अब जीमू को बता रहा था, वो आदमी बताता है कि मॉन्स्टर्स और इंसानों की दुनिया बिल्कुल अलग है और कभी कभी ऐसा होता है कि ये दुनिया आपस में मिक्स हो जाती है जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं और मॉन्स्टर हंटर उनको हंट कर क्रिस्टल में बदल देते हैं जिस वजह से उनकी पावर्स का कोई भी इंसान यूज कर सकता है। और तुम्हें मॉन्स्टर्स इसलिए नजर आते हैं कि तुम अगली गार्डियन हो, तुम मॉन्स्टर्स और इंसानों के दुनिया के दरमियान की अगली गार्डियन हो। वो गेट कुछ दिन में खुलने वाला है और जैसे ही वो ओपन होगा तुम्हें तुम्हारी सारी पावर्स मिल जाएंगी। और साथ ही साथ में वो आदमी एक लेडी का नाम भी बताता है, वो कहता है कि वो फर्स्ट गार्डियन है और वो ये नहीं चाहती कि अगली गार्डियन तुम बनो। ये आदमी यहाँ पर उसी लेडी की बात कर रहा था जिसको हमने देखा वो लेडी जीमू को अपने पास लाना चाहती थी ताकि वो उसकी पावर्स ले सके। वो ये नहीं चाहती कि तुम उसकी जगह लो, इसीलिए वो गार्डियन मॉन्स्टर्स के जरिए तुम पर अटैक करवाती है और जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा वो तुम्हें किडनैप करने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि जैसे जैसे गेट ओपन होने का टाइम होगा तुम्हें तुम्हारी पावर्स मिलना शुरू हो जाएंगी जिससे कि तुम पावर्स को यूज कर बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती हो। मगर हाँ, जब तक गेट ओपन नहीं हो जाता तुम्हें उस लेडी गार्डियन से बचकर रहना होगा। यहाँ पर वो आदमी जीमू को दो कार्ड्स देता है जिसमें से कि एक कार्ड ऐसा था कि वो उस पर लगा सकती है जिस पर जीमू बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, और अगला कार्ड ऐसा था जो 3 दिन तक उसे इनविजिबल होने में हेल्प करेगा। अब ये सुनकर जीमू वो जो ट्रस्ट वाला कार्ड था वो मैंग के ऊपर लगा देती है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ मैंग ही था जिस पर वो ट्रस्ट करती थी। मगर इस बात से वो आदमी बिल्कुल भी खुश नहीं था और अब वो आदमी मैंग को कहता है कि तुम्हें जीमू को अपने साथ रखना होगा क्योंकि अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम इसको अपने साथ रखोगे। अब जब मैं जीमू को अपने साथ घर लेकर जा रहा था तभी रास्ते में हम देखते हैं कि वो एक लूप में फंस गए थे, इसका मतलब ये था कि उन पर कोई मैजिक कर रहा था। और तभी हमें पता चलता है कि ये काम उसी मॉन्स्टर हंटर का था जिसको उस गार्डियन लेडी ने जीमू को लाने के लिए भेजा था। यहाँ पर मैंग और उस मॉन्स्टर हंटर की बहुत ज्यादा फाइट होती है,
मगर लास्ट में मैंग जीमू को बचाकर अपने घर ले आता है और वो जीमू से अब वो इनविजिबल कार्ड लेकर अपने घर पर लगा देता है, जिससे कि उसका घर बिल्कुल ही गायब हो जाता है इस डायमेंशन से। और इसी तरह अब 3 दिन तक उन्हें छुपकर रहना होगा। अगले दिन जीमू जब सुबह उठती है, यहाँ पर जीमू को वो पेपर बता रहा था। जो पेपर मैंग के पास था, जो हमें पता है वो बोलता भी है, वो बता रहा था कि मैंग अपने बड़े भाई की तरह अच्छा मॉन्स्टर हंटर बनना चाहता है, क्योंकि उसका भाई बहुत अच्छा मॉन्स्टर हंटर था। जब जीमू उसके भाई के बारे में सुनती है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, जीमू और मैंग की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन जीमू के पास कॉल आती है, उसे पता चलता है कि उसकी मदर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर कह रहे थे कि जल्द ही ऑपरेट करना होगा, जिसके लिए उनको जीमू के साइन चाहिए। ये सुनकर जीमू बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तभी वहाँ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है। वो पेपर मैन को बताता है कि ये एक ऐसा मॉन्स्टर है कि जो इंसान विश करता है उसे किस जगह पर जाना है, ये मॉन्स्टर उसे फौरन से उस जगह पर पहुँचा देता है, जिसको यहाँ पर अनजाने में ही सही मगर जीमू ने अपनी पावर से बुलाया है। इसका मतलब ये था कि जीमू की पावर्स आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। ये बातें सुनकर अब जीमू और मैंग उस मॉन्स्टर का यूज कर डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। जीमू अपनी मदर से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, मगर यहाँ पर मैंग आकर सब कुछ समझ गया था। ये तो एक जादुई चक्कर था जिसमें उस लेडी गार्डियन ने इन दोनों को फंसा दिया था। इसका मतलब ये था कि उस लेडी गार्डियन ने ही जीमू को यहाँ पर बुलाया था। वो कहती है कि तुम्हारी मदर की ऐसी हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पावर्स हैं। वो जीमू को याद करवाती है कि याद करो, जब तुम छोटी थी तुमने गलती से अपनी पावर्स का यूज कर एक मॉन्स्टर को बुला लिया था और उसी मॉन्स्टर ने तुम्हारी मदर की ऐसी हालत की है। और वो बताती है तुम्हारी जो पावर्स हैं ये तुम्हारे लिए एक श्राप है। ये सुनकर जीमू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अब अपनी पावर्स का यूज कर वहाँ पर सब कुछ तोड़ने लग जाती है। वो लेडी गार्डियन उससे कहती है कि मैं तुम्हारी अभी भी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हारी पावर्स को मैं सक कर लूँगी, जिससे कि तुम्हारे जितने भी करीबी लोग हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा और तुम एक आम जिंदगी गुजार सकोगी। अब जीमू उस लेडी गार्डियन की बातों में आ गई थी। वो लेडी गार्डियन जीमू को एक सुनसान जगह पर अपने साथ ले गई थी। वहीं पर दूसरी तरफ हम उस मॉन्स्टर हंटर को भी देखते हैं, जिसको इस लेडी गार्डियन ने ही भेजा था। उसने मैंग के पेपर को जला दिया था, उसको जला कर खत्म कर दिया और साथ ही साथ वो अपनी पावर से मैंग के हाथ को भी जला देता है। अब मैंग के पेपर की राख उड़कर उसी आदमी के पास चली जाती है, जिसकी आधी बॉडी शेर की और आधी बॉडी इंसान की थी। वो पेपर जाकर उस आदमी को सब कुछ बताता है कि मैंग को आपकी जरूरत है। ये सुनकर वो आदमी अपनी पावर्स का यूज करता है और मैंग को अपने पास बुला लेता है और उसे कहते हैं कि हमारे पास अभी भी टाइम है, जीमू की पावर्स अभी भी उसके पास है और क्योंकि वो तुम पर ट्रस्ट करती है, तुम्हें हर हालत में उसे बचाना होगा। अब वो आदमी उसी पेपर की राख का यूज कर मैंग का हाथ बना देता है। मैंग को ये बहुत अच्छा लग रहा था और मैंग अब उसी मॉन्स्टर की हेल्प से जीमू के पास पहुंच गया था और उसका एहसास जीमू को भी हो गया था। हालांकि यहाँ पर उस लेडी गार्डियन ने अपना मैजिक स्टार्ट कर दिया था उसकी पावर्स को लेने के लिए, क्योंकि गेट जल्द ही ओपन होने वाला था। मैंग वहाँ पर पहुँच गया था जीमू को बचाने के लिए। तभी उसके रास्ते में वही मॉन्स्टर हंटर आ गया था जिसके पास फायर पावर थी। वो मैंग से फाइट करता है उसको रोकने के लिए। वहीं पर वो गेट ओपन होना स्टार्ट हो गया था, तभी मैंग और उस मॉन्स्टर हंटर को एक क्रिस्टल नजर आता है। दरअसल ये क्रिस्टल मैंग के भाई का था, जिसको मैंग हमेशा से लेना चाहता था और इसी क्रिस्टल को हासिल करना मैंग का ड्रीम था कि इस क्रिस्टल को जो भी हासिल कर लेगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हंटर बन जाएगा। इसीलिए वो दूसरा मॉन्स्टर हंटर जो गार्डियन का था, वो भी इस क्रिस्टल को हासिल करना चाहता था। इस क्रिस्टल को हासिल करने के लिए इन दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होती है और लास्ट में ये क्रिस्टल वो दूसरा मॉन्स्टर हंटर ले लेता है।
मगर उसके हाथ में आते ही उस क्रिस्टल की चमक गायब हो जाती है और तभी हम देखते हैं मैंग के हाथ को जो कि राख से बनाया गया था और वो हाथ दोबारा से बनने लगा था। दरअसल मैंग ने उस क्रिस्टल को जब टच किया था तो उसकी सारी पावर्स मैंग के हाथ में आ गई थी और वो अब सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हंटर बन गया था। वो अपनी पावर्स का यूज कर उस मॉन्स्टर हंटर को मार देता है और जल्दी से जीमू के पास जाता है। वो देखता है तो वो तो बेहोश थी। वो लेडी गार्डियन मैंग से कहती है कि तुमने तो आने में देर कर दी, क्योंकि कुछ ही देर बाद जीमू इस दुनिया से गायब हो जाएगी। इस बात पर मैंग अब जीमू से कह रहा था, हम दोनों ने यहाँ तक आने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है और अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगा, तुम्हारी सेफ्टी करूंगा। और ये सुनकर जीमू एक बार फिर दोबारा से खड़ी हो जाती है। गेट भी ओपन हो गया था और अब जीमू भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। जीमू के उठते ही वहाँ पर वही सुपरमार्केट वाला मॉन्स्टर आ गया था और जीमू ने अपनी पावर्स का यूज कर बड़ी ही आसानी से उस लेडी गार्डियन को मार दिया था जो उसकी पावर्स लेना चाहती थी, और साथ ही साथ वो उस सुपरमार्केट वाले मॉन्स्टर को भी उसकी दुनिया में वापस भेज देती है। इसके बाद जीमू और मैंग जब एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। दरअसल उन्होंने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो वो पाना चाहते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।